नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीकॉम पार्ट वन का जो हमारा अभ्यासक्रम है हिंदी का, उस किताब का नाम है पलाश, है ना। देखिए इस किताब में पलाश, जिसके अंतर्गत हमने पहले सेमेस्टर में जो हमारा पाठ्यक्रम था उसका अध्ययन किया। तो उसमें क्या क्या था हमारा, बड़े भाई साहब, स्मृति, गिल्लू, अभाव, महाभारत की सांझ और उखड़े खम्भे, ये हमारा गद्य विभाग में था प्रथम सत्र में। और पद्य विभाग में था कबीर जी के दोहे, ले चल वहाँ भुलावा देकर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, स्नेह निर्जर बह गया है त्रिपाठी जी की, और प्रथम रश्मि सुमित्रानंदन पर जीवन का झरना आर सी प्रसाद सिंह कविता के साथ दामोदर खड़से। और अन्य पाठ्य सामग्री में था अनुवाद और पारिभाषिक शब्दावली। तो ये जो पाठ्यक्रम था ये हमारा प्रथम सत्र का था। अब आज से हम लोग हमारे बीकॉम पार्ट वन के द्वितीय सत्र का जो पाठ्यक्रम है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। तो जो हमारा बीकॉम पार्ट वन के द्वितीय सत्र का सिलेबस है उसमें है गद्य विभाग में प्रायश्चित कहानी, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। दूसरी कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है पाजेब। और तीसरा हमारा ब्रह्म राक्षस का शिष्य कहानी, यह है गजानन माधव मुक्ति बोध की। और अगला है हमारा निबंध नामवर सिंह का गपशप अफसर, यह व्यंग है शरद जोशी द्वारा लिखित। और मोहन से महात्मा, ये रेडियो रूपक है, सुनील देवधर ने इसे लिखा है। तो ये हो गया हमारा गद्य विभाग। अब है हमारा पद्य विभाग। तो पद्य विभाग में भी हमें छह कविताएं हैं जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है सब उन्नति का मूल, ये हमारी कविता नंबर एक। कविता नंबर दो है पुष्प की अभिलाषा, जिसके कवि कौन है, मखनलाल चतुर्वेदी। और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हमारी तीसरी कविता है कलम और तलवार। चौथी कविता है हमारी जो कि अज्ञेय ने रची है, उसका नाम है यह दीप अकेला। और पांचवी कविता नागार्जुन द्वारा रचित है बहुत दिनों के बाद। और छठवीं कविता है छाया मत चुना गिरिजा कुमार माथुर की। इस प्रकार से ये हमारा गद्य और पद्य का विभाग है। और अन्य जो पाठ्य सामग्री है, तो अन्य पाठ्य सामग्री में लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं जो कि कुछ दिन पहले हमने लिया था, और विज्ञापन। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा द्वितीय सत्र है इसका जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है और उनका विभाजन है वो आमतौर पर किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले हमको सामान्य विषयों पर निबंध, है ना, जो हमें निबंध लिखना होगा कि जैसे कि विज्ञान विकास और विनाश, या कि कोरोना 19 आज की महामारी, इस तरह के जो निबंध है वो निबंध रहेंगे। और ये निबंध में मार्क्स रहेंगे हमको 16। उसके बाद में जो हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा वो दूसरा प्रश्न हमारा गद्य विभाग से रहेगा। और ये गद्य विभाग पर हमारे दो दीर्घोत्तरी प्रश्न हमको लिखना होगा, है ना। तो इसमें से आपको दिए रहेंगे दो, दो में से कोई एक पर हमको लिखना पड़ेगा दीर्घोत्तरी प्रश्न। और उसी प्रकार हमारा पद्य विभाग होगा। अब हमने पहला प्रश्न जो हमारा देखा समसामयिक निबंधों पर वो 16 मार्क का। प्रश्न दूसरा हमारा जो गद्य पर रहेगा वो भी हमारा 16 मार्क का। प्रश्न तीसरा हमारा जो कि पद्य विभाग पर रहेगा, इसमें भी आपको कोई दो प्रश्न दिए रहेंगे और दो में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना रहेगा, वो भी रहेगा हमारा 16 मार्क का। मतलब 16-16 मार्क के हमारे कितने प्रश्न हो गए, 3, यानी 48 मार्क हो गए। अब हमारा जो प्रश्न चौथा रहेगा, वो प्रश्न चौथा रहेगा हमारा, इसमें 3 प्रश्न गद्य विभाग पर रहेंगे और 3 प्रश्न हमारे पद्य विभाग से रहेंगे। टोटल हमारे कितने, 6 प्रश्न रहेंगे और 6 में से आपको इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना रहेगा। तो इसमें खासियत ये रहेगी कि जो हमने प्रश्न दूसरे और प्रश्न तीसरे में जिस कविता पर, जिस कहानी पर आधारित प्रश्न आए हैं, प्रश्न दूसरे गद्य में और प्रश्न तीसरे पद्य में, उनको छोड़कर बाकी का जो पाठ्यक्रम है उस पर से 4-3 प्रश्न हमको प्रश्न चौथे में आएंगे। यानी कुल मिलाकर हमको
ये छह प्रश्न पूछे रहेंगे, छह में से हमें इन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। ये भी हमारा जो प्रश्न चौथा ये भी रहेगा हमारा 16 मार्क का और एक एक प्रश्न रहेगा हमारा चार चार मार्क का। यानी अब कितने हो गए हमारे, सोचो 64 मार्क ये हो गए। अब हमारा रहेगा प्रश्न पांचवा जो कि हमारी अन्य पाठ्य सामग्री है। जैसे कि हमने कहा ना कि अन्य पाठ्य सामग्री में विज्ञापन, लोकोक्तियां, मुहावरे, उस पर आधारित रहेगा, लेकिन ये प्रश्न हमारे चार भी अनिवार्य रहेंगे। तो ये भी हमारे चार चार मार्क के रहेंगे, मतलब ये भी हो गए 16 मार्क के। यानी कुल हमारे प्रश्न रहेंगे 5 16 16 मार्क के, मतलब टोटल ये हमारा हो गया 80 मार्क का और 20 मार्क हमारे रहेंगे मौखिकी पर, या कि हम जो आंतरिक मूल्यांकन बोलते हैं उस पर रहेंगे, है ना। ये हमारा सर्वसाधारण पेपर का पैटर्न हो गया है। लेकिन अब कोरोना के चलते हमें मालूम नहीं किस तरह का पेपर का पैटर्न आ सकता है, हो सकता है, रह सकता है। तो इसलिए हम ऐसी स्थिति में ये भी मानकर चल रहे हैं कि अगर मान लो नहीं हुआ तो इस तरह से हमें प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे थे, मान लो कई बार एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर लिखो, इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं एक एक मार्क के। उसके बाद में बहुवैकल्पिक प्रश्न भी हमको आ सकते हैं कि मान लीजिए हमको एक प्रश्न दिया है उन्होंने और एक प्रश्न के हमको उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी पहली कहानी है कि प्रायश्चित, तब उन्होंने कहा कि भाई प्रायश्चित कहानी के लेखक कौन है। तो प्रायश्चित कहानी के लेखक को उन्होंने आपको चार नाम दे दिए, शरद जोशी दे दिए, सुनील देवधर दे दिए, जैनेन्द्र दे दिए और भगवती चरण वर्मा दे दिए। अब ये चार ऑप्शन दिए, चार में से सही ऑप्शन भगवती चरण वर्मा है, तो इसमें से चार में से कोई एक उसका उत्तर है जो आपको टिक करना होगा। तो इस प्रकार के हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। और खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए या कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस तरह का प्रश्न भी हो सकता है, या कि फिर जोड़ियाँ मिलाइए, जोड़ियाँ लगाओ का भी प्रश्न हमारा हो सकता है कि वो आपको ऐसे चार ही दिए रहेंगे, जैसे मैंने अभी बताया उसी तरह से कि उन्होंने मान लो कविता दे दी चार और चार कहानियाँ दे दी, कि अब इसमें क्या कविता है और कौन सी कहानी है, चार ये देखे बताया। मिसाल के तौर पर उन्होंने बता दिया कि पाजेब, मोहन से महात्मा, बहुत दिनों के बाद, छाया, मत छूना, और दूसरे ब ग्रुप में उन्होंने दे दिया कविता, कविता, कहानी और रेडियो। अब आपको ये बताना है कि इसमें से क्या है, क्या कविता है, कौन सा रेडियो रूप होगा और कौन सी कहानी है। तो इस तरह के भी हमारे प्रश्न रहेंगे। इस तरह से कुल मिला के हमारा ये 100 मार्क का पेपर है और 100 मार्क के पेपर के लिए हमारा इतना पाठ्यक्रम है। जो हमने पिछले पीरियड में तक हुआ है उसको अभी आपको भूल जाना है, उसमें अभी आपका कुछ है नहीं है। अब आपको जो कुछ भी है वो द्वितीय सेमेस्टर की बात करना है, और द्वितीय सेमेस्टर का जो मैंने आपको पाठ्यक्रम सिलेबस बताया है, प्रायश्चित से लेके मोहन से महात्मा तक और सब उन्नति को मूल से लेके छाया मत छूना तक, ये है, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। इस तरह से ये हमारा पाठ्य बीकॉम पार्ट वन के द्वितीय सत्र का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। इसके आगे अब जब भी हम मिलेंगे अगले पीरियड में तो हमारे पाठ्यक्रम की शुरुआत कर देंगे। धन्यवाद।